हेलो स्टूडेंट्स, सो एज यू नो वी आर रीडिंग चैप्टर रंगास मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ रंगास मैरिज वाज अरेंज्ड. ओके, सो वी वर रीडिंग हाउ नरेटर वाज ग्लोरीफाइंग हिज विलेज होजा हली. ओके, सो टू ग्लोरीफाई हिज विलेज टू मेक क्लियर टू द रीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज विलेज to the state of Mysore, he has given an example here. Okay, he has compared it to a sweet named Karikdabu, the sweet that is found in South India, and this sweet is filled with coconut and sugar, very much similar to Gujia found in North India. So he is saying that if Hosahalli is that much important to Mysore, like the filling of this sweet is important to this sweet. जितनी filling importance है इस sweet के लिए ही, उतना important ही उसका village Mysore state के लिए है. ठीक है, और जितने important ये sweet किसी भी festival in South India के लिए है, उतना ही important Mysore state भारतवर्ष के लिए है. Okay, so what I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. तो वो एक बार और फिर से अपनी बात को स्ट्रेस देके बोलता है कि जो मैंने बोला एब्सोल्यूटली ट्रू है. तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चनिंग है तो मैं उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होजाहली, सिर्फ मैं ही इसकी तारीफ नहीं करता अपने विलेज की. वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा. हमारे घर के पास एक डॉक्टर है हमारे गाँव का, जिसका नाम गुंडा भट्टा है. ही एग्रीज विद मी, ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो काफ़ी जगह घूमा हुआ है. ठीक है, वो भी कहता है कि हमारे विलेज जैसा कोई विलेज नहीं है. नो नॉट इंग्लैंड, क्या आपने बोला? आपने बोला कि इंग्लैंड तक घूमा हुआ, नहीं नहीं मैं. सो इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनैया. ओके, अगर उससे कोई पूछता भी है कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हो, तो वो बोलता है नो अनैया. अनैया जैसे किसी बड़े को बोलते हैं. ठीक है, नो नहीं बड़े भाई, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, इंग्लैंड मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टल डॉग इज नॉट फॉर मी. ओके, फ्ली पेस्टल डॉग मीन्स डॉग हु हैज़ बीन इन्फ्लिक्टेड और इन्फेक्टेड विद सम इंसेक्ट कॉजिंग इचिंग. ठीक है, जैसे किसी डॉगी को खारिश हो जाती है, इचिंग होती है, तो वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता. तो वो कह रहा मैं ऐसे फ्ली पेस्टल डॉग की तरह इधर उधर घूमना मेरे को पसंद नहीं है. ठीक है, आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम. हाँ, मैंने अपने समय में कुछ जगह जरूर घूमा हूँ दो. ओके, बेशक मैंने कुछ जगह घूमी हुई हैं. ओके, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, पर असल में बात यह है कि वो उसने बहुत सारी जगह घूमी हुई है, उसने बहुत सारी जगह देखी हुई है. सो नेक्स्ट ही डिस्क्राइब्स अबाउट मैंगो ट्रीज इन हिज विलेज. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, कम विजिट अस. तो नरेटर टेल्स अस दैट इन हिज विलेज देयर आर सम मैंगो ट्रीज, यू कम एंड विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. जैसे हम बोलते हैं ना कि कच्चा आम, कच्ची अम्बी, वो मैं आपको दूंगा, एक बार उसको खा के देखना. डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट. इसको खाना नहीं है, सिर्फ एक बाइट लेके देखना उस कच्चे आम की. द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर भरमांध्रा. ओके, भरमांध्रा मीन्स द सॉफ्ट पार्ट ऑफ हेड. ओके, तो उसका इतना ज़्यादा सोर होता है रॉ मैंगो, हमारे गांव के मैंगो ट्रीज का, कि अगर एक बाइट ले लो तो सीधा तुम्हारे दिमाग में उसका टेस्ट जाता है. ओके, आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. एक बार मैं ऐसा ही आम, कच्चा आम घर पे ले गया था और इसकी चटनी बनाई थी. ऑल ऑफ अस एट इट, सब ने खाया. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या सबको खांसी हुई, कफ हुई. इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. तो ये तो जब मैं कफ मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, तब
तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये सारा इस फ्रूट का कमाल है, ये जो कच्चे आम की चटनी खाई है इसके कारण पूरी फैमिली को कफ हुई थी। सो जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। तो जैसे मैंगो स्पेशल होते हैं हमारे विलेज में, ऐसे ही और भी सब कुछ स्पेशल होता है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। ठीक है, जैसे कि बेटे हर किसी को जो अपना नेटिव प्लेस होता है वो बहुत उससे अटैचमेंट होती है, ऐसे ही नरेटर को अपने विलेज से अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट वो एक क्रीपर की बात कर रहा है कि उसके गांव में एक क्रीपर प्लांट है, क्लाइंबर प्लांट है, जैसे बेल होती है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड। जो विलेज में उनके पॉन्ड है, तालाब है, उसके पानी में, जो उसका पानी हमेशा साफ रहता है, उसमें एक क्रीपर ग्रो करता है। एंड इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड। फीस्ट होता है फेस्टिव टाइम, ओके, फेस्टिव मूड, मतलब प्लेजर टू बिहोल्ड। बिहोल्ड मीन्स टू लुक एट। इसके फूल इतने सुंदर हैं, उनको देखते ही प्लेजर फील होता है, इमेंस प्लेजर फील होता है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड इन योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और जब नहाने के लिए जाओ, आते समय दो लीव्स तोड़ के ले आओ, तो आपको चिंता नहीं होगी कि खाना किस पे आप सर्व करोगे, मतलब उसके लीव्स पे आप खाना रख के डाल के खा सकते हो। ओके, यू विल से आई एम रैम्बलिंग। तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसे ही फालतू बोल रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज टॉक कर रहा हूँ, ठीक है, फालतू बकवास कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप। ओके, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब मेरे विलेज की बात होती है तो ऐसा ही होता है, मैं बहक जाता हूँ। ठीक है, मैं अपने विलेज की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट, ओके सॉरी, बट एनफ, इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। चलो अब काफ़ी है, पर हाँ, अगर कोई भी तुम लोगों में से मेरे विलेज में आना चाहता है, मेरे विलेज को देखना चाहता है, तो मुझे लेटर लिख देना, ड्रॉप मी अ लाइन। आई विल लेट यू नो वेयर होजा हली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर। तो मैं तुम्हें पूरा बता दूंगा कि होजा हली कहाँ है और ये कैसा है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस, विजिट इट। तो किसी प्लेस को अच्छी तरह जानना हो तो उसको विजिट करो, उसको जाके देख के आओ। डोंट यू अग्री? तो क्या आप मेरे से सहमत नहीं हो? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago। अब वो अपनी असली बात पे आता है। इतनी देर तक वो होजा हली अपने विलेज को ही डिस्क्राइब कर रहा था, तो वो कह रहा था जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 10 साल पहले की बात है। वी डिडंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। ओके, जब ये चैप्टर लिखा गया उससे भी 10 साल पहले की बात है कि उस समय हमारे गांव में, हमारे आसपास बहुत कम लोग होते थे जिनको इंग्लिश आती थी। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलुरु टू स्टडी। तो हमारे विलेज का एक अकाउंटेंट ही था जिसने सबसे पहले करेज दिखाया और अपने बेटे को सिटी में पढ़ने के लिए भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ। आजकल जो है वो कह रहा है कि उस समय के हिसाब से अब समय डिफरेंट है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, मतलब बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। जब छुट्टियां होती हैं, कोई सब लोग वापस आते हैं अपने गांव में, तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश वर्ड्स को जानते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। तो उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे और ना ही जब हम कन्नड़ा में बात कर रहे होते थे कभी भी इंग्लिश वर्ड्स का हम यूज़ करते थे।